बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। जैन टीवी के मज़ज़ दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं मी टू कम्पेन क्या है और इसे पाकिस्तानी कानून में क्यों लाया जा रहा है और ये कैसे पाकिस्तान को तबाह कर देगा? अगर ये सब कुछ आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं दज्जाली फितना आहिस्ता आहिस्ता हमारे माशरे को अपनी लपेट में ले रहा है और हम लोग आपको बार बार इसके मतलब आगाह कर रहे हैं। दज्जाली फितना हमारे घरों में दाखिल हो चुका है और हमारे खानदानी निजाम को तबाह कर रहा है, चाहे भारत हो या पाकिस्तान या फिर सारी दुनिया। दज्जाली निजाम और फितना आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। दोस्तों, क्या आप लोग मी टू के बारे में जानते हैं और ये कहां से शुरू हुआ और इसका क्या नतीजा अब निकलेगा, कैसे इससे माशरे में तब्दीली की जा रही है और पाकिस्तान में इस फितने से मतलब क्या होने जा रहा है? दोस्तों, ये कम्पेन भारत में तनुश्री दत्ता ने शुरू की थी और नाना पाटेकर पर इल्जाम लगाया था और इनका कहना था कि नाना पाटेकर ने मुझे शूटिंग के दौरान हरासा किया था। दोस्तों, ये अदाकार कुछ साबित नहीं कर पाई। इस 12 साल पुराने मामले का कोई सबूत भी नहीं था और नाना पाटेकर ने इसे कई लीगल नोटिस भी भिजवाए। अब ये मोहतरमा अमेरिका वापस जा रही हैं। दरअसल दोस्तों, ये बड़े सखीर में मी टू चलाने आई थी और इसमें कामयाब हो गई। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है कि भारत में कोई कम्पेन चले और इसके असरात पाकिस्तान तक ना आए? दोस्तों, यहूदियों के मिशन के मुताबिक मी टू कम्पेन भारत से सीधा पाकिस्तान पहुंच गई है और फिर इस मी टू कम्पेन से खूब तूफान बदतमीजी की गई और बहुत से लोगों पर कीचड़ उछाला गया। दोस्तों, भारत में भी इसका मुकम्मल कानून बनाया जा रहा है और इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं, क्योंकि दोस्तों भारत में अदालती निजाम बहुत कमजोर है और दूसरी बात ये कि ये निजाम मुकम्मल एलुमिनाटी के कंट्रोल में है। दोस्तों, भारत में अदालती निजाम की मिसाल इस बात से ले सकते हैं कि मोदी को लाखों करोड़ों के स्कैंडल्स में क्लीन चिट मिल गई है, इसी वजह से ऐसी अदालत मीटू के खिलाफ क्या बोलेगी। दोस्तों, पाकिस्तानी अदालतें भारतीय अदालतों से बहुत दर्जे बेहतर हैं, जिन्होंने नवाज शरीफ जैसे बुर्ज को उल्टा दिया। हमारे अदालती निजाम बिल्कुल ठीक है और जबरदस्त काम कर रहा है। हालांकि दोस्तों, ये निजाम बहुत पुराना है। दोस्तों, मी टू कम्पेन सिंध असेंबली में पेश होने जा रहा है और ये पेश कर रही हैं शहला रजा। दोस्तों, ये वो खातून है जो खुद कानून तोड़ने और झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। इनके बारे में आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, सिंध असेंबली भी अनक्रिप टूटने जा रही है, क्योंकि जरदारी साहब ने गिरफ्तार हो जाना है और इसके बाद आधी से ज्यादा सिंध असेंबली ने जेल चले जाना है। इसके बाद या तो गवर्नर राज लगेगा या असेंबली टूट जाएगी। दोस्तों, अगर मी टू कानून सिंध असेंबली में पेश किया जाता है तो इसे पास करने के लिए भारी अक्सरियत चाहिए और अगर इसे पास कर लिया जाता है तो फिर इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा और फिर इंशाल्लाह इस कानून को डिसमिस कर दिया जाएगा। दोस्तों, अगर ये कानून बन जाता है तो क्या होगा? दोस्तों, अगर ये कानून बन गया तो हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम लगाएगा और एक दूसरे को बदनाम किया जाएगा, चाहे इसका कोई कसूर हो या ना हो, और अपनी बेकसूरी साबित करने के लिए मर्दों को कई कई साल लग सकते हैं और बदनामी अलग। और आप लोग जानते हैं, पाकिस्तानी माशरे में एक दफा बदनामी का दाग लग जाए तो कहां आसानी से उतरता है। होना ये चाहिए था कि औरतों की हिफाजत के लिए कानून बनाया जाता और इसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया जाता ताकि इसे कोई तोड़ ना सके। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा।